हेलो हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए आरएस अग्रवाल जी की मैथ की बुक है, उसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यू है, जो कि चैप्टर के लास्ट में होता है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स और उसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक अभी इस वीडियो में हम करेंगे, तो ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीज़ें ही आती है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक राइट ऑप्शन है। हम ये भी देखेंगे कि कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों है, और राइट क्यों है वो तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि वो भी साथ के साथ आपको बताया जाएगा। ओके, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, जो नीचे दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तो आपको पता ही है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा ना, तो वो जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट डॉट, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे बढ़ता चला जा रहा है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे पहले 50 आ गया, फिर 300 आ गया, फिर 000 आ गया, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसा नंबर जो है इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर कौन सा है, सिंपल सा है, वो ये है, राइट। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर हुआ। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट डॉट, लेकिन रिपीट हो रहा है, जो 4 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पर डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन मतलब ऐसे चलता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 141414 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हुआ। क्यों हुआ वो आप समझ ही गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19 इज, आपको बताना है कि 7/19 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर रैशनल नंबर कौन सा है। तो उसको करने के लिए जरा ध्यान से देखिए, 7/19 है तो यहाँ 119 है, 119 टेबल पे आता है, चलो वो देखो, 7 टेबल में 17 ही नहीं आता, तो इसलिए ये जो है हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो उसका मल्टीपल होगा कोई ना कोई, या लोएस्ट फॉर्म में आएगी तब वो होगा सॉल्यूशन। तो ना तो 7 की लोएस्ट फॉर्म में, ना तो ये 7 इसका मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर देखें तो 7 टेबल पे 2 जा पे हो रहा है, तो नीचे भी 2 जा पर ही होना चाहिए। 7/2 = 14, तो नीचे भी 9/2 = 38 अगर होता है यहाँ पर, तो ये हमारा राइट आंसर होता। फिलहाल ये नहीं है क्योंकि 14 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, राइट, और 19 की टेबल पर ये 57/3 पर आ रहा है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अगर ऊपर 2 से हुआ तो नीचे भी 2 से होना चाहिए था, तो 14/38 अगर ये होता तो ये हमारा राइट ऑप्शन होता, लेकिन फिलहाल नहीं है तो इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट देखें कि ये ऊपर वाला तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से होना चाहिए था। 7/3 = 21, तो 19/3 = 57 होना चाहिए था, या 57 होता तो ये राइट ऑप्शन होता, या फिर ये वाला, ठीक। तो ये वाला जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 मिलता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 57 आया, तो 21/57 हमारा राइट ऑप्शन है, क्लियर है, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इसके केस में कि 7/19 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, तो वो 21/57 होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द रैशनल नंबर विच डजंट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5, आपको वो रैशनल नंबर चूज करना है जो कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में नहीं आता है। ऐसा करने के लिए हम जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 का, 4 का, 20 का, 3 का, 5 का एलसीएम क्या है वो देखिए, 3, 5, 10
4 and 20. 1, 5, 10, 4, 20. 2, 1, 5, 5, 2, 10. 2, 1, 5, 5, 1, 5. अब ये सारा 5 पे गया, है ना? 3 to the 6, 2 to the 8, 2 to the 5, 40. Again, 3 to the 6, 2 to the... Sorry. 3 to the 6, 6 to the 12, 12, 5 to the 60. जल्दबाजी ठीक नहीं है. 60 आ गया. Okay? तो 60 के केस में इसको 60 बनाना हो तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा. इसको 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा. इसको हमें मिलता है यहाँ पर माइनस 40 बाई 60, और यहाँ पर मिलता है हमें माइनस 12 बाई 60. माइनस 40 और माइनस 12 के बीच में अब इन सबको भी वैसे कन्वर्ट करना है. 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 60 बनेगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 18 बाई 60. क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है ये? हाँ, आ तो रहा है. माइनस 12 और माइनस 40 के बीच में आ रहा है ये माइनस 18, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा. अभी अरे रुको सॉरी, डजंट लाई, जो लाई ना करता हो वो बताना है. तो ये लाई कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा इसके लिए राइट ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट इसको देखें, 6 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिलता है 18 बाई 60. तो एक सीधा सा वैसे यहाँ पर ये भी हो जाता कि जो दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर तो लाई करेगा नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर वाला हमारा राइट ऑप्शन होता है, ये सीधा सा है. और अगर सारे ही नेगेटिव दे रखे होते तो हमारा ये मेथड है ये सूटेबल होता, क्योंकि अब यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है माइनस 15 बाय 60, जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. और इसके केस में 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते तभी 60 बनता. नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना होगा, तो माइनस 21 बाय 60. तो ये भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. तो कौन सा नहीं लाई कर रहा? दो नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव नंबर लाइन नहीं करता, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाता. और अगर सारे नेगेटिव होते तो फिर हमें ये एलसीएम लेकर के करने की ज़रूरत होती, नहीं तो सीधे डायरेक्टली आप देखकर ही बता सकते थे कि हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ये है. क्यों है समझ गए होंगे अब आप, क्लियर है? गुड. अब नेक्स्ट है पाई का. पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये फैक्ट आप याद रखिए. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, बस इतना ही समझिए कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है. ये ना तो रैशनल नंबर होता, ना ये इंटीजर है, ना ही ये होल नंबर है. ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू आती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग. चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, ये देखते हैं. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू इज, रूट टू की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? तो क्योंकि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, और हम बात कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि यहाँ पर था, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग होगा, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा. जैसे कि यहाँ पर 14 आ गया, फिर 114 आ गया, फिर 111 आ गया, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, और ये ऐसे ही यहाँ पर था. तो रूट टू या कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जिनका स्क्वायर रूट एक होल नंबर आता है, जैसे कि पहला 1 हो गया, फिर 4, फिर 3 के केस में 9, 4 के केस में 16, 5 के केस में 25 एंड सो ऑन. तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट हमेशा ही एक इरेशनल नंबर आएगा, मतलब वो एक इरेशनल नंबर होगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये वाला होगा इरेशनल नंबर जो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा. रिकरिंग मतलब रिपीट होना. तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया. 5 क्वेश्चंस में हमने ये अभी किए हैं. मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं करवाए कि ज़्यादा एक साथ समझ में नहीं आता है, इसलिए ऐसा किया गया है. अब आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, आपका ही फायदे की बात है इसमें. शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फायदा ले सके. कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं. बेल आइकन जोड़े में दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ बटन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑल वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट सेशन. ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम.